नहीं लगा। ओके हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ नहाने जा रही हूँ और कुहू बना रही पोहा। तो कह रही मम्मी आज मैं पोहा बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कुहू पोहा बना रही, मैं जा रही हूँ नहाने और इस समय बज रहा है सुबह का 11। तो चल फ्रेंड्स मैं नहा करके आती हूँ, फिर से आपसे मिलती हूँ। और कुहू बना, तो यहाँ पर जब मैं नहा करके आई तो कुहू का पोहा बन चुका था। तो पोहा की रेसिपी वैसे देने जैसा कुछ था नहीं, मींस ये कि कई बार आपको दिया हुआ है तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो कुहू बिटिया रानी का बन गया है पोहा और चलिए हम सब लोग खाने जाते हैं, खा करके आते हैं। तो हमने जो कल नींबू दिखाए हुए थे, सोच रहे आज उसका मैं कुछ करती हूँ। तो कुहू ने अभी अपने लिए वो निकाल लिया पोहा और मेरे लिए भी निकाल दी। और चलिए खाने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी कढ़ी, बनाऊँगी आज एक कृष्णा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और बनाऊँगी कढ़ी, चावल, पकौड़ियाँ और ये सब बनाने वाली हूँ। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। शेयर तो ज़रूर में ज़रूर करना। और इसके बाद चलिए आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि आज जन्माष्टमी, कृष्णा छठी है, कृष्णा जी की छठी का दिन है, तो मैंने फिर इधर साइड में छोंक दी कढ़ी और इसके बाद में साइड में बनाऊंगी पकौड़ियाँ। क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लगता है, कम से कम 40-45 मिनट तो लगता ही लगता है कढ़ी पकने को। कहते हैं मम्मी लोग कहती थी, नानी कहती थी कि जितना कढ़ी को पकाओगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो गर्म यार आज तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो रखी है। तो ये इतने लोगों में थोड़े स्पॉट वगैरह हैं तो उनको यूज नहीं करें। गर्म पानी में 2-4-5 मिनट के लिए इनको डाल देंगे, जिसमें ऊपर के जो नींबू को ऊपर के जो इतने डस्ट वगैरह धुल दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके गर्म पानी में डाल देंगे तो उसके डस्ट गंदगी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद फिर साफ करके पोछेंगे, काटेंगे, तब उसमें मसाले डालेंगे। तो चलो आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। फिलहाल तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। नींबू भी इतने हमें डालना है छांट करके, तो उसमें थोड़ी में पानी जब बॉयल होने लगेगा तब मैं उसमें डालूँगी। इसके बाद तो उनको अच्छे से टॉवल से पोंछ के तब यूज़ करूँगी। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर नींबू काफ़ी पानी गर्म हो गया, तो हल्का सा हमने उसमें नमक डाल दिया था। जितनी नींबू के ऊपर के डस्ट वगैरह हो, धुल के तो मैंने उस दिन भी रखे थे, आज भी धुल दिए थे, इसके डस्ट वगैरह जितनी होगी सब पूरे क्लीन हो जाएगी। नींबू में एक चमक सी आ गई, तो इनको अच्छे से ठंडे होने देंगे निकल के। इसके बाद में फिर से सूखे कपड़े से या टॉवल से किसी से पोंछेंगे, जिसमें कि किसी प्रकार का इसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। तो इनको निकाल लिया है, लेकर के चलती हूँ अंदर, पंखे में रख देती हूँ। इसके बाद में जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो गाइस काफ़ी देर दोपहर में हमने तो रिलैक्स कर लिया था, इसके बाद नींबू भी तब तक हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं और अब इसका बनाते हैं अचार। और रख दे बना करके, वरना मेरे ये कहीं आलस कर गए तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो चलते हैं बनाते। यहाँ पर हमने लिया है इतनी काली मिर्च, 2 चम्मच, 2 चम्मच भर के काली मिर्च है। इसको मैं कूटूंगी अदरक कूटने वाले में, सौंफ, जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, हींग, ये सब दूंगी। तो हल्का सा रोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको रोस्ट करूँगी। सोच रही हूँ पहले मसाले रोस्ट करके रख दूँ, इसके बाद में फिर तब नींबू को काटूँ। तो चलिए जल्दी से पहले मैं रोस्ट करती हूँ। तो काली मिर्च को हमने कूट लिया, लेकिन गिर भी गई दिखाने में। चलो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, नहीं गिर गई मेरी काली मिर्च, गिर गई। तो यहाँ पर हमने लिया मेथी, अजवाइन, सौंफ 2 चम्मच से ज़्यादा ही है, 1 चम्मच है जीरा। यहाँ पर हमने लिया दो चम्मच लिया हुआ था काली मिर्च, जिसको मैंने कूट दिया है। मेरे पास कटर है, मैं उसको बारीक से क्रश कर दी थी, लेकिन मुझे ऐसी चाहिए थी। और ये है कलौंजी, ना इसको मुझे रोस्ट करना है, ना ही मुझे इसको कूटना पीसना है, इसको एज इट इज़ रखना है। तो कुहू अभी नींबू को साफ करे, क्या करे कुहू? साफ कर रहे हैं। तो कुहू अभी इस नींबू को जो मैंने ब्लांच करके रखे हुए थे उनको पोंछ रही है, सही से पोंछ रही है, सब पोंछ रही है। ये देखो मॉइस्चर जैसा दिख रहा है, ये देखो कितना। तो कुहू अभी नींबू को साफ करे, तब तक मैं क्या करूँगी, मसालों को मीडियम फ्लेम पर, मीन्स इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए
और मॉइस्चर निकल जाए, दो चीज़ निकल जाए, वैसे इसको हमने कर देना है गैस को बंद। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं नींबू को कट करूँगी। तो पहले मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। तो मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पर क्रैकल होने लगे हैं और मैं गैस को करूँगी बंद। मैं गैस को बंद कर दिया है और थोड़ी देर मैं इसी ही छोड़ दूँगी, इसमें जितना इसकी कमी रह गई होगी ना, तो इसी पैन में ये अच्छे से हीट रहेगा तो जलेगा भी नहीं और अच्छे से। तो यहाँ पर मैं नींबू काटूंगी, कुहू ने अच्छे से साफ़ कर दिया है और जैसे ही काट रही तो वैसे कुहू के पापा आ गए। पता है सामान मैंने कुछ ग्रॉसरी का मंगाया हुआ था किचन का, तो वो लेकर के आ गए एक अच्छी सी चाकू। तो मैंने ऐसे इतने थोड़े बड़े पीस कट रहे थे कि ये चाकू चल तो रही लेकिन उतनी अच्छी नहीं, तो कुहू के पापा लेकर के आ गए तो मैं उस चाकू का यूज़ करती हूँ। तो आप लीजिए टाइम स्लैप का मज़ा। इस चाकू से इतनी स्पीड से कट रहा है कि पूछो ना, मजा ही आ गया। कट गए अच्छे से और ये नहीं और उससे लगे हाथ चाकू भी आ गई, कुहू के पापा लेकर के आ गए, बहुत अच्छे से कटे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलो मसाला को कूटते हैं क्योंकि मेरी मिक्सी खराब है। तब तक हमारे मसाले भी ठंडे हो गए थे तो मैंने उसको डाला अदरक कूटने वाले कुटनी में डाला। आप लोग क्या कहते हो बताइएगा मुझे, तो कई नामों से जानते हैं ना, तो अपने अपनी जगह पर सब लोग अपने अपने नामों से जानते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से उसको कूट लिया और सब तो सही से कूट गए थे, लेकिन मेथी जो है ना वो थोड़ी हार्ड थी, वो नहीं कूट रही थी, लेकिन काम चल गया, अपना काम तो चल ही गया। ये देखिए अच्छा सा कूट गया, बस बीच बीच में जो मेथी है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज अब मसाले के साथ अच्छे से वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ पूरे अपने नींबू, तो हमने उठा लिया नींबू। हल्दी डालेंगे इसमें, हल्दी डालने के बाद इसमें दो बड़े चम्मच डालेंगे मिर्च, ये थोड़ी तीखी और बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तीखी नहीं, दिन हमने मिला लिया है काला नमक। इसके बाद ये रॉक सॉल्ट मिला लिया है और सफ़ेद नमक हम लोग इस समय नहीं खा रहे हैं, खा ही नहीं रहे कई महीने से, तो वो हमने नहीं मिलाया हुआ, कलौंजी मिला लिया। और आप यहाँ पर ना वाइट वाला नमक मिला सकते हैं, तो मैंने यही वाला मिलाया क्योंकि हम लोग इस समय यही खा रहे हैं। और हमने डाल दिया काली मिर्च, जरी सी मैंने बचा लिया था, जो हमने मसाले कूटे हुए ना उनको भी मिला लिया है और इसके बाद मिला लेंगे। तो चलिए अभी बाकी का जो बचा हींग रह गई थी, तो मैंने कहा सोचा यार हींग तो मिलाना ज़रूरी बनता है, पता मैंने ना करछे से मिलाने की कोशिश की, वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा है कि मसाला फैलेगा भी नहीं, मैं टॉस कर लेती हूँ। तो जो नींबू के जूस में जितने मसाले थे वो अच्छे से चिपक गए हैं। और तो फ्रेंड्स अगर ये अचार की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो अचार तो हमारा बन करके रेडी हो गया है, अब इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है और वो डालना है चीनी। चीनी इसलिए कि इसका खट्टा बैलेंस करने के लिए ये जो मेरे पास स्टील की छोटी सी कटोरियाँ हैं उसी को भर के मैं डालूँगी, चीनी डालूँगी। ये देखिए तो ये पता है उस खट्टे को बैलेंस करेगी और थोड़ा सा अचार का जो टेस्ट है ना वो टैंगी आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।